गाइस एंड वेलकम बैक टू वर्ना। तो आज की वीडियो में हम आपके लाए हैं 2019 का वर्ना SX ऑप्शनल मॉडल। बट बिफोर वी स्टार्ट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर डिजाइन की बात करें तो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि 2020 मॉडल आ चुका है वर्ना का, जिसमें इससे चेंजेस हैं। बट ये मॉडल वो है जो वर्ना के मेन डिजाइनिंग में, बॉडी डिजाइनिंग में बेसिक और मेजर चेंजेस लेके आया था, जिसके बाद लुक पूरी बदल चुकी है गाड़ी की। तो जैसे कि ये ग्रिल या हेडलैम्प्स, आप कोई भी पॉइंट उठाएं इस गाड़ी का, ये पूरा पुरानी गाड़ी से चेंज दिखेगा आपको। सो बात करते हैं अगर इसकी ग्रिल की, तो यहाँ पर आपको क्रोम प्लेटेड प्लास्टिक में ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है। ग्रिल पुराने वाले से बहुत बड़ी है। जो नई वाली आ रही है 2020, उसकी ग्रिल यहाँ तक स्ट्रेच्ड है, तो वो लुक को और इन्हांस करती है और थोड़ी शाइनी ब्लैक सी ग्रिल दी गई है उसे। बट मुझे पर्सनली ये ज़्यादा बेटर लगती है। और इवन आप बम्पर की बात करें तो देख सकते हैं एक स्पोर्टी फील दिया हुआ है इसको, एक ये कट देके और एयर वेंट देके गाड़ी के अंदर, ताकि एयर अच्छे से पास हो। क्रोम प्लेटिंग में ही हमें यहाँ पे फॉग लैम्प्स मिलते हैं और LED DRLs मिलते हैं। तो ये बल्ब आप देख सकते हैं इधर बिल्कुल। ये स्टेयरिंग जब 45 डिग्री के एंगल से हल्का सा और टर्न होता है तो अपने आप ऑन हो जाते हैं, टर्निंग लाइट्स बोलते हैं इन्हें। और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं इस कार को। अब आगे चलते हैं अगर हम इसके डिज़ाइन पे, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं इस कार को काफ़ी स्पोर्टी बनाया गया था पिछले वाले से और एक एग्रेसिव स्टाइलिंग इसे दी गई थी। तो बात करते हैं इसके टायर की, तो इसको 16 इंचर्स एलॉयज मिलते हैं 195/55R16, जिसकी स्पीड रेटिंग है 87B। रेटिंग आप चार्ट पे चेक कर सकते हो, आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगी कि स्पीड रेटिंग टायर्स पे इसलिए होती है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड तक के लिए वो टायर्स बने हैं। तो सेफ्टी मेजर्स के अगर आप ध्यान में रखो तो स्पीड से ऊपर आपको कार नहीं ड्राइव करनी चाहिए। सो आगे आते हैं। ये सेफ्टी के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं कि स्क्रैचेस ना पड़े डोर पे या आसपास वाली गाड़ियों पे। और क्रोम प्लेटिंग में ही आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, डबल कलर्ड ORVMs मिलते हैं, टर्निंग इंडिकेटर आपको लैम्प पे मिलता है। ये हमारे पास ऑटो डीजल मॉडल है। सारी मॉडल की डिटेल्स अंदर हम आपको देंगे जब ड्राइव पे चलेंगे कार की। सो साइड से भी आप देख सकते हैं जो वर्ना फ्लूडिक का एक फ्लूइड डिज़ाइन था, वो डिज़ाइन इसके अंदर अभी भी कंटिन्यूड है। बिल्कुल फ्लो में कार आपको एक फील देगी कि एज इफ एक वेव जा रही हो, एक ब्रश से पेंट किया हो या कुछ, तो बिल्कुल वो वेव आपको इसमें भी दिखेगी। कैसे ये टच यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 4 मीटर से क्रॉस है, यानी कि 4440 mm इसकी लेंथ है, 4440 mm। और इसकी विड्थ की बात करें तो वो 1729 mm है। और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दैट इज़ 165 mm, जो कि सफिशेंट है एक सेडान के हिसाब से। इससे ज़्यादा फिर सेडान ऊँची लगेगी, SUV की फील देगी, मज़ा भी नहीं आएगा। तो अब चलते हैं इसके बैक पर। तो ये है 2019 वर्ना की बैक प्रोफाइल। जो 2020 वर्ना आई है उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं डिज़ाइन में। अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको दिखेगा कि बॉडी पीछे से और बल्की कर दी है नई वाली की। इसमें जो बल्क है वो मेजर बम्पर पे है, उसमें पीछे भी आपको बल्क नज़र आएगा। तो आप इसकी टेल लैम्प्स देख सकते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, हाफ बूट पे हाफ बॉडी पे आपको मिलती है। LED DRLs यहाँ भी आपको गिवन है और अंदर आपको बल्ब मिल जाते हैं। सो ओवरऑल अगर हम पीछे की बात करें तो कार के अंदर एक बल्क है, एक एग्रेसिवनेस है, पीछे से क्लियरेंस और बढ़ जाएगी ऑब्वियसली उसके एरोडायनामिक डिज़ाइन की वजह से। तो इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है जो यहाँ पर गिवन है। एंड अब हम चलते हैं इसके बूट पे। तो बूट में हमने सामान भी डाला हुआ है, कुछ आपको दिख जाएगा। की से प्रेस करके बूट खुल गया और पूरा बूट खुल गया। तो इसको मिलती है 480 लीटर्स की बूट स्पेस। आप देख सकते हैं पूरा स्पेस अच्छा डीप बूट है, काफ़ी थोड़ा हम्प है वो, बट सेडान्स में आपको मिलेगा ही हम्प, तो उससे इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो जो स्पेयर व्हील है वो आपको स्टील रिम मिलता है, अलॉय नहीं मिलता, साइज सेम है। और ब्रिजस्टोन के टायर्स डले हुए हैं इसके अंदर। स्पेस अब आपने मेरे हिसाब से समझ लिया होगा कि 480 लीटर्स का बूट स्पेस इनफ है इस कार के हिसाब से। तो और यहाँ पर भी आपको पैकिंग इंसुलेशन पूरी मिलती है। तो ये थी इसकी बैक प्रोफाइल। अब जल्दी से इसके बोनट को देखते हैं, इंजन देखते हैं अंदर क्या है, और फिर हम चलेंगे कार के अंदर। तो ऑब्वियसली हाइड्रोलिक तो बूट इसमें नहीं मिलेगा हमें, सॉरी हाइड्रोलिक बोनट इसमें हमें नहीं मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं CRDI डीजल इंजन 1600 सीसी का इसके अंदर हमें डीजल इंजन मिलता है इस मॉडल में, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड गियरबॉक्स। तो आप देख ही सकते हैं इंजन वगैरह पूरा आपको दिख रहा है, और इंसुलेशन हमें यहाँ भी पूरी मिलती है, Hyundai है, तो उस मामले में फीचर्स में कोई कमी नहीं आएगी बजट के अंदर भी। अगर आपको इसके कॉम्पिटिटर्स का रिव्यू देखना हो जैसे कि Honda City, तो आप हमारे चैनल पे ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, आपको Honda City का रिव्यू मिल जाएगा। जल्दी आपके लिए हम Ciaz के रिव्यू भी ले आएंगे। तो अब आते हैं रियर कंफर्ट की बात करते हैं इस कार के। हम बैठ चुके हैं कार के अंदर। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिखाई थी प्रॉपर बकेट सीट्स हैं, तो बैठ के भी वो मुझे पूरा बैक सपोर्ट दे रही हैं, इवन अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर मैं आर्मरेस्ट की बात करूं तो ये पुल आउट हो जाता है सिंपली, और इसमें मुझे 2 कप होल्डर्स भी मिलते हैं, सो विच इज़ गुड। 2 लोग आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आप दूसरी हम ऑब्वियसली डोर पर रख सकते हैं। तो कम्फर्ट तो है, देखो पहले से काफ़ी इम्प्रूव भी कहूँगा मैं इसको। मैंने पहले वाली Verna भी यूज़ करी है पर्सनली, एंड जो सीट है वो इस समय पूरी पीछे है। अगर आप यहाँ पर देख पाएँ तो आपको सीट में स्कूप्ड आउट दिखेगा, और ये हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर मिलेगा। तो वो हार्ड प्लास्टिक अगर आप कॉन्टैक्ट में आओगे तो ऑब्वियसली पेन करेगा आपकी नी में, वो चुभेगा आपको, लेकिन जो स्कूप्ड आउट इसको बनाया गया है डिज़ाइन, वो फिर भी एक रिलैक्सेशन दे रहा है। अभी देखने में आपको ये दिख रहा होगा कि मेरे पास नी रूम बिल्कुल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि सीट बिल्कुल पीछे है, बट स्टिल वो अभी अनकम्फर्टेबल नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ लॉन्ग जर्नी में वो अनकम्फर्टेबल फील देगा। सो अगेन सीट का कंफर्ट की बात हम कर चुके हैं। अगर हेडरूम की बात करें तो वो जस्ट सफिशेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, सो जस्ट सफिशेंट हेडरूम है, बहुत ज़्यादा हेडरूम नहीं है, दोबारा बोलूँगा। लेकिन बाकी सारा जो कंफर्ट इसका बनाया गया है, सीट की क्वालिटी जो इम्प्रूव करी गई है वो काफ़ी अच्छी है। 5th पैसेंजर अगर बैठना चाहे तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि सीट में हम्प है, और थोड़ा सा हम्प आपको यहाँ भी मिलेगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उसके लिए। और आपको 5th पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट भी नहीं मिलता है सीट में। एंड हमें इसमें मिलते हैं रियर AC वेंट्स, विच इज़ ऑब्वियसली अ रिक्वायरमेंट, और अब तो वैसे ही मौसम गर्मी का आ ही गया है। और एक फास्ट चार्जर का पॉइंट भी हमें पीछे मिलता है यहाँ पे। विंडोज़ का व्यू, विंडोज़ थोड़ी छोटी मुझे फील हो रही है, मैं पर्सनली SUV ड्राइव करता हूँ तो, बट स्टिल सेडान के हिसाब से ऑब्वियसली वो ठीक है। लेकिन हाँ जो चीज़ मुझे लग रही है वो ये कि डोर का जो लेवल है Hyundai की कार्स में थोड़ा ऊँचा आता है, तो विंडो ये छोटी कर देते हैं। इवन क्रेटा में भी ये दिक्कत फील होती है पीछे बैठ के। सो अगर मैं सिटिंग की बात करूं कार के अंदर तो काफ़ी कंफर्टेबल है, फ्रंट ड्राइवर सीट भी, और हमें जो फ्रंट सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड मिलती हैं। तो कीलेस एंट्री है, की आपको मैंने दिखाई नहीं, अनलॉक लॉक और बूट ओपन करने की ऑप्शन मिलती है हमें की पे। सो अगर कार को स्टार्ट करें तो ये रहा इसका स्टार्ट स्टॉप बटन, ब्रेक दबा के कार स्टार्ट हो गई है सिंपल एक छोटे से प्रेस से, और आप सिस्टम देख सकते हैं। सो कंफर्टेबल है, रूमी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे Honda City के कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ। हम ऑब्वियसली रिव्यू कर रहे हैं तो इनके राइवल्स की, इनके कंपैरिजन की बात भी करेंगे। City का रिव्यू आप देख सकते हैं, ओनर भी और रिव्यू वीडियो भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। सो थोड़ी रूमी कम है, बट अगेन पिछली वाली Verna से जो इससे पुरानी आती थी 2019 है, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल बना दी गई है। इवन विजिबिलिटी है कार में अच्छी। सो मेरे को जो मिरर्स हैं, तो मिरर कंट्रोल्स आप देख सकते हैं अंदर से ही फोल्डेबल और ओपन हो जाएंगे, सेट अंदर से हो जाएंगे। पावर विंडोज़ हैं, डोर लॉक, चाइल्ड लॉक सारी, और ड्राइवर विंडो जो है वो ऑटो मिलती है हमें। तो ये सारी ऑप्शंस हमें यहाँ पे कंट्रोल्स में मिल जाती हैं। अब स्टेयरिंग आपको दिख रहा होगा तो इसके अंदर टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील हमें मिलता है, जो मैंने अभी एडजस्ट भी किया अगर वो कैच हुआ तो। सो या स्टेयरिंग पे आपको वॉइस कंट्रोल की ऑप्शन, मोड की ऑप्शन मिलती है, वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रैक चेंज, कॉल पिकअप, कॉल डिक्लाइन ऑप्शन। इधर से आपको मेन्यू की ऑप्शन मिलती है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख रहे हैं इस समय तो आपको दिखेगा ये लाइट्स, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, लैंग्वेज, रीसेट सेटिंग्स, डोर की डोर लाइट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं एंड ऑल। सो ये फीचर्स यहाँ से मिलते हैं। ये क्रूज़ कंट्रोल को सेट करने के लिए आपको ऑप्शन है, और ओके कैंसल सारा है। बैक जाने के लिए अगेन यहाँ से बैक चले जाएंगे। सो ये वाइपर का कंट्रोल, तो अगर मान लीजिए मैं वाइपर की इंटेंसिटी टाइम की चेंज करता हूँ तो मुझे स्क्रीन पे भी दिखेगा हाई लो सारा ऑप्शन, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स, आप इसमें इवन इंडिकेटर की फ्लैशेस सेट कर सकते हैं कि एक क्लिक पे वो कितनी बार फ्लैश करेगा, 3, 5, 7 जितना भी आपको रिक्वायरमेंट लगे। अगेन इधर आपको मिलते हैं इसकी स्क्रीन, और इस कार में ऑप्शनल मॉडल है Artman का साउंड सिस्टम लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है क्वालिटी में, और आपको इसमें स्क्रीन मिररिंग की ऑप्शन मिलती है। एप्पल का एप्पल CarPlay मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, सारी ऑप्शन मिलती हैं। ऑटोमेटिक है जैसे मैंने आपको बोला था। पैडल शिफ्टर्स इसमें हमें नहीं मिलते जो हमें सिटी के टॉप ऑटो में मिल जाते हैं, सो अगेन एक वो डिफरेंस आ जाता है। DSG गियर बॉक्स है, 6 स्पीड, तो ऑटो में हमें स्पोर्ट्स मोड में यहीं पर इसका प्लस माइनस का ऑप्शन मिलता है। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, आपको ये ऑप्शन मिल रही है। अभी कार पार्क पे है। एंड फ्रंट सीट्स जो हैं कार की वेंटिलेटेड हैं, तो फुल और ये पावर उसकी कम हो सकती है यहाँ से। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल की ऑप्शन भी हमारे पास है, बट अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने ऑन नहीं करी हुई। सो और इसकी फ्रंट सीट्स की वेंटिलेशन इज़ क्वाइट गुड। मैं पर्सनली अभी ऑन करी है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो आगे हमें 2 यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स मिलता है फास्ट चार्जिंग के, और एक वायरलेस चार्जर मिलता है। सो जितने भी ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं इन पर एक ब्लू लाइट भी आती है जब हम कार की लाइट्स ऑन करेंगे अगेन। और यहाँ पे हमें आर्मरेस्ट मिल जाता है। हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिक नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक नॉर्मल मिलती है हमें मैनुअल, और बाकी कार ऑटो है। सो अब अगर हम ड्राइव पर चलें, उससे पहले आपको दिखाएंगे अगर इसकी सनरूफ, तो सनरूफ का साइज़ भी काफ़ी बेटर है इसमें, और 1 टच पे ओपन हो जाएगी है जैसा आपने देख लिया अभी, और ऐसे ही क्लोज भी हो जाएगी। सनशेड इसका मैनुअल मिलता है हमें, वो ऑटो नहीं है, वो हाई एंड कार्स में ही आपको मिलेगा। सो बजट के हिसाब से फीचर्स नो डाउट काफ़ी अच्छे हैं। जो कंपनी क्लेम्ड माइलेज है दैट इज़ अराउंड 20-21, जो यूज़र माइलेज हमें यूज़र से बात करके पता चली दैट इज़ अराउंड 15-16। वो अभी आपको इस कार का कुछ टाइम में ओनर रिव्यू भी मिल जाएगा। एंड यहाँ आपको मिलता है सनग्लास होल्डर एक, सो वो चीज़ है। और ये लाइट्स, वाइट लाइट्स नहीं मिलती अंदर आपको इसमें येलो लाइट्स ही मिलती हैं। और पैसेंजर साइड पे वैनिटी मिरर मिल जाता है, सनशेड में ड्राइवर साइड पर नहीं मिलता। जो इसका ग्लव बॉक्स है वो कूल्ड ग्लव बॉक्स है, उसमें ऑप्शन है कूलिंग ऑन ऑफ करने के भी, पूरा खुला नहीं, बॉटल पड़ी है। डोर में जो स्पेस है वो काफ़ी इनफ है, 1 लीटर की बॉटल आराम से आ जाएगी। छोटी स्पेस भी मिलती है, यहाँ पर हम की रख सकते हैं सिंस कीलेस एंट्री है, देखिए आराम से। एंड अगर मैं ओवरऑल मटेरियल की बात करूँ तो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है जो Hyundai की कार्स में देखने को मिलता है, इवन क्रेटा वगैरह में भी हमने देखा है। क्रेटा का रिव्यू भी आप देख सकते हैं, नए मॉडल का भी पुराने मॉडल का भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। और जो इंटीरियर के कलर्स वगैरह की अगर बात करें, बेज ब्लैक का कॉम्बिनेशन, वो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी लुक और फील देता है कार को। सो ओवरऑल कार में एक स्पोर्टी फील है अंदर भी बाहर भी। बाकी अब ड्राइव पर चलते हैं इसकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ओके गाइस, अब हम चलते हैं इसकी ड्राइव पे, तो पहले बेल्ट लगा लेते हैं। सो ऑटो कार है, ब्रेक दबा के गियर शिफ्ट ड्राइव पर डाल दिया हमने। अभी आपको रिवर्स भी दिखाऊंगा इसका। और ब्रेक रिलीज करते ही कार क्रॉल कर रही है, और ये हल्का सा रेस देते ही तो आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये थोड़ी जर्की है। अभी आपने हमारी वीडियो में देखी होगी। तो अभी तो हम स्लो ही चल रहे हैं, स्पीड 10 से ऊपर हमारी 20 से ऊपर है नहीं, तो जर्क ज़्यादा महसूस नहीं हो रहे हैं हमें बिल्कुल भी। मतलब काफ़ी अच्छा सस्पेंशन दिया है इस कार को Hyundai ने। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा मेजर बम्प है, तो देखते हैं उधर कैसा काम करती है। तो ये देखिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पता चला, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आई है हमें इसके अंदर। रैंप से उतर गए हैं हम, और अब हम चलते हैं आगे। सो अगर हम ओवरऑल ड्राइव की बात करें तो अभी तो देखो रेड लाइट है, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ इसका पावर एंड इंजन डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ। ब्रेकिंग भी अच्छी है कार की, स्मूथ है, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल आराम से ब्रेक हमने कर ली है। सो अगर हम इसकी पावर की बात करें तो इसकी पावर है 113 bhp, और टॉर्क इसको मिलती है 250 Nm की। ओवरऑल अभी तक मुझे चलाने में स्मूदी लगी। अभी ऑल्दो मैंने ज़्यादा पुल नहीं करी है कार, थोड़ा आगे चलते हैं तो देखते हैं कैसी है, खींचते हैं कार को, हल्का सा इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। सस्पेंशन की बात हमने करी ली है कि सस्पेंशन अच्छी है, जर्क्स नहीं है। अभी रिवर्स कैमरा पर भी हम आएंगे बाद में कि रिवर्स पार्किंग में इसमें हमें अडाप्टिव गाइडलाइंस भी मिलती हैं। और जल्दी आपको इस कार का हमारा ओनर रिव्यू भी मिलेगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, और ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। तो अब हम चल रहे हैं प्रॉपर ड्राइव पे इसकी। अराउंड 2500 आरपीएम पे आके गियर शिफ्ट अपने आप हो जाता है इसका। सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, बम्प्स ज़्यादा फील नहीं होते। स्पीड की भी जो एक कार की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है कि इवन अच्छी स्पीड्स पे जैसे अबव 60 अबव 70 अगर मैं कह दूँ तो वो भी कुछ दिक्कत नहीं देती। कई बार काफ़ी कार्स होती है जिनमें स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती, कटिंग भी काफ़ी अच्छी है तो उसकी दिक्कत नहीं है कोई भी स्टेबिलिटी के, जैसे मैंने आपको बोला। सो जो एक स्टेबिलिटी है, एक Hyundai की बात है इसके अंदर, वो दिक्कत नहीं है। अगर एक रैम्प है, देखिए रैम्प से भी सेडान होने के बावजूद बहुत प्यार से उतर गई है। और एज एन ऑटोमेटिक कार AMT कार की अगर मैं बात करूँ तो मैंने Civic भी ड्राइव करी है और भी कुछ कार्स मैंने ड्राइव करी है AMT में, तो ऑब्वियसली Civic एक अलग चीज़ है, उसको कंपेरिजन में नहीं लाते। बट हाँ, Hyundai का ऑटो भी काफ़ी अच्छा है। अगर राइवल्स की बात करें तो हमारे पास Ciaz है, Honda City है, यारिस आ जाती है इस रेंज के अंदर। तो ठीक है, सबके अपने प्लस माइनस है, मैं यही कहूँ। अगर आपको स्पोर्टी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए तो आप ऑब्वियसली Hyundai पिक करें। अगर आपको फैमिली कार चाहिए आप Ciaz ले सकते हैं। सुजुकी इंडियंस की काफ़ी चॉइस है, अच्छी, काफ़ी इंडियंस सुजुकी प्रेफर करते हैं। एंड Honda का कुछ खास मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पर, अगेन वही बात है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव में क्लासीफाई नहीं करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ साउंड कैंसलेशन की, नॉइज़ कैंसलेशन की, तो जो बाहर की नॉइज़ है वो ये कार बहुत अच्छे से कैंसिल करती है। मैंने थोड़ा सा टर्न बड़ा जानबूझ के काटा आपको रिवर्स दिखाने के लिए। देखिए लैपटॉप गाइडलाइन होती है इसके अंदर, प्यार से स्टीयरिंग के साथ साथ और वापस से ड्राइव। अब देखिए मैं थोड़ा पुल कर रहा हूँ स्पेशल आपको दिखाने के लिए। और हमारा कार्ट आ चुका है वापस से। तो देखिए रैम्प्स वगैरह में चढ़ने में तो इनके हिसाब सोचते हैं आप हिल्स पे लेकर जाएँ कुछ तो दिक्कत नहीं आएगी आपको कार में। ऑब्वियसली सेडान है, कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा बम्प है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, वहाँ आप फंस गए तो वो आपकी किस्मत खराब होना, और क्या ही बोलूँ। बट हाँ, आपको दिक्कत एज सच नहीं आएगी। इवन हिल कंट्रोल में अगर हम बात करें और सब सेफ्टी में, इसको चाइल्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, आइसोफिक सीट्स मिलती हैं चाइल्ड सीट माउंट करने के लिए, और इसमें आपको ABS, EBD ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। 6 एयरबैग मिलते हैं विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेट। और इसमें आपको स्टेबिलिटी की बात हम कर चुके हैं। नॉइज़ कैंसलेशन की मैं आपको बात कर रहा था उससे पहले, तो नॉइज़ कैंसलेशन काफ़ी अच्छी है कार। अपने हॉर्न की साउंड ऑब्वियसली जब तक सुनाई ना दे तब तक लगता नहीं कि आप कुछ ड्राइव कर रहे हो। कुछ कार जिनका हॉर्न इतना पतला सा होता है कि फील ही नहीं आती, लगता ही नहीं कि आप कुछ बल्कि ड्राइव करें। तो इसमें एक लाइटनेस भी है कार के अंदर, एक स्पोर्टीनेस भी है, एक एग्रेसिवनेस भी है, एक काफ़ी अच्छा मिक्सचर दिया है Hyundai ने इस कार में। सो मेरी तरफ से यही है। एक लास्ट मैं आपको थोड़ा सा इसको पुल करके दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं। ये हमें मिल गई खाली रोड, अगर आप रोड पर देखें तो स्टेबिलिटी आपको दिखेगी कार की। हम इस समय अराउंड 60-70 जा रहे हैं, 70, इससे ज़्यादा मैं 60 किलोमीटर का पुल करना प्रेफर नहीं करूँगा। हॉर्न भी आपने इससे सुन लिया, काफ़ी अच्छा है। अगेन सिग्नल आ चुका है फिर से, तो हम वेट कर लेते हैं और आपसे बात कर लेते हैं। सो एंड में मैं यही कहूँगा यार, देखो हमारी बाकी वीडियोज़ भी सारी देखो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलो। आप लोगों ने हमें 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कराए हैं, और बढ़वाओ, हम और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आपके लिए लाएंगे। इवन हम प्लान कर रहे हैं कुछ टाइम में आपके लिए Ciaz इसके सारे राइवल्स का रिव्यू भी लेकर आए, तो आपको भी ताकि एक प्रॉपर चॉइस मिल पाए। तो अब हम वापस आ चुके हैं, तो दैट्स द एंड फ्रॉम माई साइड। सो ओवरऑल मैं जो वर्डिक्ट कहूँ तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कार नो डाउट काफ़ी अच्छी लगी मुझे। Hyundai ने Verna के अंदर अपना कंफर्ट लेवल और सब कुछ काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया पहले से, कोई दिक्कत नहीं है अब इस कार के अंदर। जो पहले दिक्कतें हुआ करती थी कंफर्ट में ही स्पेशली बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, चलने में ये गाड़ी पहले भी काफ़ी अच्छी थी और अभी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो या कंफर्ट वॉज अ बिग इशू जिसके अंदर काफ़ी अच्छा काम किया। मुझे टायर्डनेस जैसी चीज़ फील नहीं होती अब इसको अगर मैं ड्राइव करूँ, पहले थोड़ी देर में ही बैक में पेन स्टार्ट हो जाता था। थैंक यू गाइज एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।